हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल यूएस किचन पर और आज मैं टिफ़िन में बना रही हूँ अंकुरित चना मूंग और मूठ की सब्ज़ी तो मैंने इसे एक दिन रात को भिगो दिया था चना को मूँग और मुठ को साथ में और फिर कॉटन के कपड़े में बांध लिया और उसको मैंने अच्छे से अंकुरित कर लिया था बहुत अच्छे से ये अंकुरित हो गए पहले बनाने वाली थी मैं केबीज़ की सब्ज़ी पर जैसे ही इन्होंने आके देखा तो उन्होंने बोला केबिस मुझे नहीं कोबिस की सब्ज़ी नहीं ले जानी है टिफिन में तो मैंने बोला ठीक है मैंने ये जो स्प्राउट्स रखे हैं उसकी सब्जी आपको देती हूँ तो ये तो उनकी बहुत फेवरेट है तो मैं आज उनकी सब्जी मतलब स्प्राउट की सब्जी बनाने वाली हूँ तो और आज मुझे दो जन का देना है टिफ़िन क्योंकि इनके फ्रेंड्स भी आज टिफ़िन नहीं लाने वाले हैं तो उनके लिए भी मुझे देना है तो इसलिए मुझे और आज मुझे थोड़ी देर हो गई थी तो मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी जल्दी तो यहाँ मैंने प्याज को ले लिया और पतला पतला सा काट लिया है और फिर मैंने टमाटर को ले लिया और टमाटर की तो बने बना लिया मतलब मिक्सी में मैंने कर लिया टमाटर को ग्राइंड और ये जो सब्ज़ी बनती है ना बहुत ही टेस्टी सी बनती है और यहाँ आज मैं इसे रसा वाली बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च और अदरक को भी कूट के ले लिया था और यहाँ मैं बना ले लिया मैंने प्रेशर कुकर मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो उससे क्या है ना हमें ये आ, स्प्राउट्स को अलग से उबाल के लेने की ज़रूरत नहीं है और मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया राई ले लिया और लौंग ले लिया है तो लौंग और तेज जब हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यहाँ मैंने मैंने एक लाल मिर्च ले ली थी और तेजपत्ता और ये बघार दे देने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज़ और प्याज को इसमें हम हल्का गुलाबी रंग का होने तक भून लेंगे तो प्याज की मैंने यहाँ पे ग्रेवी आ, मतलब मैंने पेस्ट नहीं बनाया है प्याज का क्योंकि प्याज ना ऐसे ही इस सब्ज़ी में ज़्यादा बढ़िया लगता है तो आप चाहें तो प्याज़ को ग्राइंड करके ले सकते हैं इसका पेस्ट बना के ले सकते हैं लेकिन मैंने नहीं बनाया है तो ये प्याज को भून लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्च और अदरक का जो मैंने कूट लिया था ना वो पेस्ट इसमें ऐड कर लूँगी और उसे भी इसमें थोड़ी देर हम भून लेंगे तो एक चम्मच जैसा इसमें मैंने अदरक और हर, दो हरी मिर्च जो मैंने ली थी उसका पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने से ना जो हमारी ग्रेवी है ना वो भी थिक सी हो जाएगी तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ टमाटर का पेस्ट और यहाँ मैंने ले लिया है आधा कटोरी गांठिया मतलब हमें इसे गांठिया कहते हैं मोटी वाली जो सेव होती है ना वो तो हमारे गुजरात में इसे गांठिया कहते हैं तो इसे मैंने ले लिया है और इसे मैं सब्जी में ऐड करने वाली हूँ इसे ऐड करने से ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो आप भी अगर ये सब्जी बना रहे हैं तो जरूर से इसे ऐड करना है और अगर आपके पास आप चाहें तो इसकी जगह तीखी सेव या मोरी सेव जो भी है आपके पास उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं पाउडर बना के तो मसालों में मैंने ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च जिसका जिससे हमारी सब्ज़ी की रंगत है ना बहुत ही अच्छी आती है तो मसालों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसमें मैं भून लूँगी और मैं ऐड कर दूँगी पानी जिससे हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से भून जाएंगे तो यहाँ मैंने ऐड कर लिया है थोड़ा सा पानी और पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम मसालों को अच्छे से भुनने देंगे तो जिससे हमारे मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा पानी और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो मिक्सी में मैंने गाँठिया को पीस के पाउडर बना लिया था वो पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये है हमारे सब्जी का स्वाद बढ़ाने का तरीका तो इसको ऐड करने के बाद थोड़ी देरी से हमें चला लेना है अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह जब हम प्याज को भून रहे हैं तभी हमें एक चम्मच बेसन ऐड कर देना है तो उससे हमारी जो हमारा जो रसा है वो भी ठीक हो जाएगा गाढ़ा बन जाएगा और सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ जाएगा तो ये भून लेने के बाद मैंने इसमें चना और मूंग को ऐड कर दिया है और स्प्राउट्स को ऐड कर लेने के बाद इसे थोड़ी देर हमें भून लेना है और कुकर में इसको थोड़ी देर हम भूनने देंगे और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है कसूरी मेथी तो थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर देंगे जिससे हमारी सब्जी का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और इसकी महक भी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी तो पानी इसमें मैं अच्छे से दो कटोरी जैसा पानी मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ क्योंकि इसमें जो मैंने गाँठिया का जो पाउडर यूज यूज़ किया है मतलब फरशान का उसकी वजह से हमारा जो रसायन वो थिक सा हो जाने वाला है तो इसलिए मैंने इसमें दो कटोरी भर के पानी ऐड कर दिया है आप चाहें तो बिना रसा वाले भी ये सब्जी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है बस आप जितना कि ये चना पक जाए उतना पानी ऐड करीजिए और लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिए और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक नमक डाल देने के बाद इसे मिल ढक्कन और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकने देंगे और जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक हम लगा लेंगे आटा तो आटे में मैंने ऐड कर दिया है तेल और फिर उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब फटाफट से मैं लगा लूँगी आटा तो मोइन जब हम रोटी के लिए मोइन ऐड करते मतलब हाँ रोटी बनाने में आटे में तो हमारी जो रोटी है ना काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होती है तो यहाँ मैंने एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है और यहाँ मैं आज बना रही हूँ दो थी रोटी तो क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से बना लेनी है रोटियाँ और ज़्यादा भी थोड़ी बनानी थी तो इसलिए मैंने दो लोई को ले लिया और उसमें लगा लिया तेल और फिर अच्छे से पेथन लगा लेने के बाद ये रोटी मैंने बना के तैयार कर ली इसे मैं कहती हूँ दो रोटी आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और जब भी कभी आपको जल्दी हो ना तो आप इस तरीके से रोटियाँ बना सकते हो बहुत ही अच्छी रोटी बन के तैयार होती है और बहुत ही पतली सी और बहुत बड़ी बड़ी सी रोटी मैंने इसे बेल ली है ये बहुत ही अच्छी रोटी बन के तैयार हो जाती है तो फटाफट से थोड़ा सा तेल लगा लिया और यहाँ हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी थी तो देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी सब्जी तैयार हो मैंने उसमें डाल दिया धनिया और ये मैंने एक टिफिन तैयार कर लिया है तो कटोरी में मैंने डाल दिया सब्जी और मैंने सलाद काट करके ले लिया था और अब रोटी को मैंने रख लिया है तो ये हमारे टिफिन तैयार है मैं दूसरा टिफिन भी ऐसे ही तैयार कर लूंगी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल